शाहिदों जहां का सबात है, तुम ही से ऐ मुजाहिदों जहां का सबात है। بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. शहीद की जो मौत है वो कौम की
जहाँ का सबात है। तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहाँ का सबात है। Baby।
दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना
खुश मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ से बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ से बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ से बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ से बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। Thank you.
दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को faculty members, teachers, and my very dearest cadets, assalamu alaikum. हमने जल्दी में ये ceremony organize की है क्योंकि it was getting delayed और you all know the reasons behind it और उसमें delay के बाद then we wanted to I admit and I accept that it was not properly prepared. And next time, I hope, जैसे हमने पिछली दफ़ा किया या जब next time करेंगे, it will be much more organized and much more rehearsed properly, and hopefully we will see much better things coming up. मगर इसका मकसद जो basic मकसद था वो ये था कि जो बच्चे हैं उनको acknowledge किया जाए कि उन्होंने जो यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे जो काम किया है और जो कर रहे हैं,
उसको अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो बच्चे इस वक्त आपके सामने मेडल्स लेके या रैंक्स लेके या ट्रॉफीज़ लेके खड़े हुए हैं, ये ही हमारे कॉलेज को चलाने में मेन चीज़ है। असल बात ये है कि हर बच्चा जो यहाँ खड़ा हुआ है और जिसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, जिसने हमारे साथ वक्त गुजारा है और जो मेहनत कर रहा है, वो सारे के सारे जो हैं वो हमारे लिए दे आर दी इम्पॉर्टेंट क्रेडिट्स, और इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने ये हैं। मगर ये रैंक्स देने का मकसद ये होता है, ख़ासकर ये जो हमने अपॉइंटमेंट दी हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में एक आगाज़ हो सके कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ होती है। ये ठीक है कि ये डेकोरेशन है और ये इनाम है आपके अच्छे काम का, मगर एट द सेम टाइम इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ यू आर प्रॉब्ली स्टेपिंग इन टू अ न्यू एरा ऑफ टेकिंग द थिंग्स मोर रिस्पॉन्सिबली। आप लोग बड़े हो रहे हैं और आपको एक कम्युनिटी लिविंग का एक्सपीरियंस भी हो गया है, ख़ासकर जो सेकेंड ईयर है, जो फर्स्ट ईयर है, तो आपको अब आपको देखना होगा कि जो मुझे रैंक दिया गया है, जो मुझे अपॉइंटमेंट दी गई है, मैं इसमें किस तरह से सारे कैडेट्स को लेके चलता हूँ। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिल्कुल वाजे और साफ है, सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको ग्रुपिंग हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप इसको फौरन से पहले छोड़ दीजिए। कोई भी कैडेट ज़िंदगी में याद रखें, जहाँ भी आप कमांड करने जाएंगे, कोई भी शख्स जो है, अगर आप उसको ज़ुबान के बयान पर बिहाव पर, कास्ट के बिहाव पर या कल्ट के बिहाव पर पहचानते हैं या अहमियत देते हैं, तो इसका मतलब है आप कमांडर नहीं हैं, यू आर नॉट अ प्रॉपर कमांडर मटेरियल। क्योंकि यहाँ पे लोगों की पहचान उनके ख़ानदान से, उनकी ज़ुबान से, उनकी ज़ात से नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ उनके काम से और उनके करेक्टर से होती है। तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस तरह की कोई भी फीलिंग्स जो है, कोई भी एहसास इस तरह का जो है, जिसमें कि आप लेके चल रहे हों कि कौन सा बंदा मेरे इलाके से है, कौन सा जो है मेरी फैमिली से है, या कौन सा मेरी ज़ुबान बोलता है, और उसको अगर आप फेवर करते हो, तो मैं आपको हकीकत बताता हूँ, आफ्टर हैविंग स्पेंड सच अ लॉन्ग टाइम इन आर्म फोर्सेज एंड एल्सवेयर, कि ये आप उसको फेवर नहीं कर रहे, ये आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं और उसको तबाह कर रहे हैं। आप अगर सच में ही आप उसके हमदर्द हैं और आप चाहते हैं कि आपका इलाके का बंदा, आपकी फैमिली का, आपके कल्ट का वो प्रोग्रेस करे, तो आप उसको बिल्कुल कम्प्लीटली उस तरह ट्रीट करें जैसे आप किसी भी और को करते हो, बल्कि थोड़ा सा सख्ती से पेश आएँ उसके साथ, ताकि उसको एहसास हो कि मैंने अगर ज़िंदगी में आगे कुछ करना है तो मुझे उसके लिए किरदार और करेक्टर और कंडक्ट और परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इस वक्त दे आर गेटिंग फ्लैट आउट एंड रोज़ा भी है, लेकिन आप लोगों को आई विल जस्ट कट इट शॉर्ट एंड नॉट टेक लॉन्गर टाइम। तो मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूँ कि जो अपॉइंटमेंट्स दी गई हैं, आप अपने आप को बैठो, ऑर्गेनाइज़ करो, इसके बाद आप मेरे ऑफिस में आएँ, जो अपॉइंटमेंट होल्डर हैं, वी विल हैव अ मीटिंग टुगेदर एंड वी विल डिसाइड हाउ टू गो अबाउट द अफेयर्स ऑफ दिस कॉलेज फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर हेयर। तो आप लोग जो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे मार्क्स लिए हैं, वेरी वेल डन बॉयज, शाबाश, गुड। तो ये सिर्फ अलामती है जो आप लोगों को दी गई हैं ट्रॉफीज़, आई होप नेक्स्ट टाइम विल गेट अ बेटर थिंग्स। और लेकिन ये आपका इनाम है, आपके काम का, आपकी कारकर्दगी का, आप इसको डिज़र्व करते हो, आप इससे बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो, और आपकी ज़िंदगी का ये आगाज़ है, और लेट्स होप दैट दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूज़ फॉर रेस्ट ऑफ़ योर लाइफ, और आपको बड़े बड़े इनाम अल्लाह ताला नसीब करे आपकी ज़िंदगी में। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कर्नल बिलाल का और बेगम साहिबा का कि वो तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने हमें रौनक बख्शी है, और मैं आप लोगों का भी कि आप लोग रोज़े में जो है वो काम कर रहे हैं, सिर्फ एक रिमाइंडर आपको दे रहा हूँ, एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट टाइम, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट टाइम, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट टाइम, जस्ट बी फोकस्ड टू योर स्टडीज़। ये आपके पास जो टाइम है ये प्राइसलेस है, इस वक्त की कोई कीमत नहीं है, ये जो अभी आपके साथ गुजर रहा है, बिकॉज इट इज़ बिफोर द शॉट, आफ्टर द शॉट जितना भी रियलाइज़ कर लिया जाए, जितना भी अफसोस कर लिया जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये वक्त है जिसका फ़ायदा है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड टाइम। पाकिस्तान।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम।